गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तालुका शाहबाद में सफा बैतुल माल ब्रांच शाहबाद की जानिब से जरूरतमंद और मुस्तैक खवातीन के लिए सफा टेलरिंग सेंटर का आगाज़ किया गया था, जिसके मुकम्मल होने पर एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सफा टेलरिंग सेंटर से टेलरिंग कोर्स कंप्लीट करने वाले 50 के करीब खवातीन को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सुई पकड़ने नहीं आता तो हमारे पकड़ो हाथ पकड़ो सीखा दे और 8 मुस्तैक खवातीन को सिलाई मशीन दी गई, जिससे वो अपनी रोजी की शुरुआत कर सकती हैं। सफा बैतुल माल शाहबाद में मुस्लिम के साथ हिंदू महिलाओं को भी फ्री टेलरिंग कोर्स सिखाकर उन्हें फ्री सिलाई मशीन दी गई है। हिंदू मुस्लिम तमाम खवातीनों ने टेलरिंग कोर्स सिखाकर फ्री सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करने पर शाहबाद ब्रांच के सदर मेहराज शेख को और दीगर जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट ऑल इंडिया सफा बैतुल माल के सदर जनाब मौलाना गयाज अहमद रशादी और बेंगलोर से मौलाना पीएम मुजम्मिल रशादी और दीगर सफा बैतुल माल के जिम्मेदारों के अलावा मतीन पटेल एमएलए और दीगर लोगों ने शिरकत कर इस इजलास को कामयाब बनाया है। सफा बैतुल माल ब्रांच शाहबाद के जिम्मेदार लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं और यह काम अवामी ताउन से किया जा रहा है। सफा बैतुल माल से बहुत सारे हमको सीखने को मिला है। हमको सुई पकड़ने नहीं आता तो हमारे बच्चे पकड़ो हाथ पकड़ो सीखा दे। हम घर से निकलना चाह रहे हो तो हम सेंटर को आना आना बोल के रहते थे घर में। एक बार घर में रहे तो भी हमको सेंटर जाना वैसा लगता था। अब नहीं जा सकते। बाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सिखाते भी हैं, बहुत अच्छा टाइम पर भी आते हैं। हाँ, हमको पहली बार मिला है सब सीखने के लिए। हम दूसरी जगह जाते तो भी इतना पैसे दिए तो भी नहीं सिखाते थे वो लोग जितना कि बाजी सिखाए हमको। 4 महीने तक हम ये सेंटर सीखे हैं। अब हम सीए बोले तो भी हम सीख सकते। बाजी जितना सिखाए हमको उतना सब सीख सकते। मैं हूँ गया समुद्र शादी सदर सफा बैतुल माल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सफा बैतुल माल शाहबाद के ज़ेर एहतमाम जो सीरत का प्रोग्राम हुआ है और इसमें टेलरिंग सेंटर में जो जिन्होंने तरबियत हासिल की है उन्हें असनाद भी दिए गए और इस शादी खाने के चारों तरफ जो डिज़ाइन उन्होंने तैयार किए थे मुख्तलिफ कपड़ों के, माशाल्लाह से देखने के बाद दिली खुशी हुई और बहुत मेहनत की गई है। जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में शाहबाद की शाख बहुत अच्छे काम करेगी। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि इस काम में आगे बढ़ें। नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, चबूतरों पर बैठकर अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने वक्त को कीमती समझे। आज हमारे पास आज है, अगर आज का इस्तेमाल सही होता है तो हमारे कल को लोग एक इबरत की निगाह से और सबक की निगाह से देखेंगे। हम सबको चाहिए कि खिदमत खल्क के मैदान में आगे आएँ। सफा बैतुल माल एक मैसेज ये देता है कि इस वक्त हमारे इस मुल्क में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने वाले बन जाएँ। खैरख्वाही का जज्बा दिलों में हो, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें, हमदर्दी और गमखारी करें, एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की इयादत करें, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहें। मफलूकुल हाल बेचारे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप स्कूली फ़ीस नहीं पे कर पाते। आज हम इसराफ़ में, फजूल खर्ची में और शादियों में बेजा इसराफ में लगे हुए हैं। काश हमारा ये पैसा उन गरीबों के काम आता और उन्हीं में से एक सुकूत ऐसा पैदा होता जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करता। इस सिलसिले में इल्म के मैदान में हमको काम करना चाहिए। इस वक्त इल्म ही है और तालीम ही वो मैदान है जिसके ज़रिए से हम मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। अगर इल्म के मैदान में और तालीम के मैदान में हम पीछे रहेंगे तो फिर तो इस मुल्क में मुसलमानों के मुस्तकबिल को ताबनाक देखना बहुत ही मुश्किल बल्कि मुहाल। मैडम रे भाड़ है रे अल तायकना हेच्ची नोड़कण रही 4 तिंगल नमेंगे अस्टू आगे अकड़े दिन नम भाड़ सर कलशरी अल इु चंद यारू है नमगे ಬಕ್ಕಳ 2-3 ತಾಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಡ್ತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಅನ್ನ ಆಗಿ ಸಿಂತ ಅವ್ರು ಮರಲಾರ್ದ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ. 3-4 ಸಾರಿ ಕಲ್ತಿಯಕ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿರಿ ಇಸ್ತಿನ ರೀ ನಮಗೆ ಮರಲಾರ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ್ರಿ 3-4 ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಂದ ಮ್ಯಾಗ್ಯಾರಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ಮರಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಇದು ನಮಗೆ ರೀ. ಒಟ್ಟು ಕೂನ ನೆನಪು ಸಾಯತನ ಇದು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾರಿ ಇದಾರಿ. ಆಜ್ ಶಾಬಾದ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಸಫಾ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಶಾಖ ಶಾಬಾದ್ ಕಾ इजलास रहा जिसमें ख़ुद
हज़रत मौलाना गियासुद्दीन साहब रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल तशरीफ़ लाए। खुसूसी इजलास इस उनवान पर रहा कि इस इदारे की कई सारी खिदमत थी, उसमें से एक खिदमत बेसहारा औरतों को सबसे पहले टेलरिंग ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें कामयाब होने वाली माँ और बहनों को बिला तफरीक़ मज़हब, मुसलमान हो के हिंदू, उन लोगों को सनद देते हैं और साथ में सिलाई मशीन भी देते हैं। तो आज उसकी तकसीम रही तो जलसे में कसीर तदाद में हज़रात उलमा और शहर के ज़िम्मेदारान अमायदीन और एक बहुत बड़ा मजमा तशरीफ़ लाया था, मैं भी उसमें हाजिर रहा। खिदमात को देखकर बेहद खुशी हुई, दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला सफ़ा बैतुल माल को और शाख शाबाद को इनकी खिदमतों का पूरा पूरा बदला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हर किस्म के आफात व बलियात और हादसा से हिफाजत फरमाए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, मुल्क के हालात इस वक्त नागुफ्ता भी ही हैं, तमाम सियासी हालात को अपनी जगह पर रखें, लेकिन मुल्क दिन ब दिन करप्शन की वजह से गुर्बत का शिकार होता जा रहा है। गरीब बहुत परेशान है, यतीम मरीज़ बहुत परेशान है। ऐसे वक्त में जब तक हमारी खिदमतें जमा नहीं होंगी, इन गरीबों के दर्द का इलाज नहीं होगा। जहाँ तक हुकूमत हो और दूसरे हजरात हो, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इस वक्त कहना भी हम ही को है और करना भी हम ही को। तो मैं हर नौजवान से, मुसलमान हो या हिंदू हो, मर्द हो या औरत हो, तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने पैसों की हिफाजत करो और अपने पैसों में से एक हिस्सा गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को और हमारे बच्चे एजुकेशन में जो लगे हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास रास्ते नहीं हैं, इनकी खिदमत में लगाओ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जीने में भी मज़ा आएगा, मरने में भी मज़ा आएगा। आज सफ़ा बैतुल माल की तरफ से जो जलसा था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत कर एक नायब चीज़ देखने का मौका मिला अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के शाहबाद की हिस्ट्री में नौजवान में और नौजवान उलमाओं में ये बात आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखते हुए दिल की गहराइयों से खुशी होती है। अब तक जो उलमा लोग चल रहे थे सिर्फ़ अपने मज़हबी भाइयों को, बहनों को, माओं को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज ये सफ़ा बैतुल माल की जानिब से और ये सफ़ा बैतुल माल के सारे उलमाओं की जानिब से आज हमारी बहनों को, गैर मज़हब की बहनों को लेकर जो चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये ज़ाहिर हो गया कि गंगा जमुना तहजीब अभी बरकरार है और बाकी है। अल्लाह इस गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखे और इसको बाकी रखे। और अभी जो मौलाना हज़रत पीएम मुजम्मिल साहब कहे, अपनी कमाइयों के हिस्से में से एक हिस्सा गुरबाओं के लिए, बीमारों के लिए, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए, अपना एक हिस्सा निकालने के बाद ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आएगा और मरने का भी मज़ा आएगा, बेशक ये दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे शाहबाद के नौजवानों से भी कहूँगा, बुज़ुर्गों से भी कहूँगा, उलमाओं से भी कहूँगा, ये काम अब तक चलता आ रहा है, इंशाल्लाह इसको आगे भी आप चलाने की ताकत रखें, ताकि हम सब आपके साथ में हैं। आप इस काम को अंजाम दीजिए, हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको पीछे से ताकत देते रहेंगे।